वालेकुम जाहिद, आपकी खिदमत में हेल्प हाउस से नई वीडियो के साथ हाजिर है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं आपको लेटेस्ट नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, नई नई अपडेट्स देता रहता हूँ, जिससे आप नई चीज़ सीखते हैं, कोई ना कोई नई चीज़ का आपको पता चलता है। जो ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, ताकि लोगों को डिटेल से उस चीज़ का जो है वो पता चल सके। आजकल जो है लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि एजेंट से खरूज लगवाने की वजह से लोग पूछ रहे हैं जी कि हमारा खरूज लगे तो कफील को मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस बारे में मैं थोड़ी सी दो तीन चीज़ें आपको बता दूं कि आपको पता है, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपना मोबाइल रजिस्टर करवाते हैं, कोई ट्रांजैक्शन होती है, आपको मैसेज आता है। इसी तरह जब आपका जवाजात में मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, आपकी खरूज लगता है, आपकी रीएंट्री लगती है, तो आपको उसका मैसेज आता है, या आपका इकामा रिन्यू होता है, आपको उसका मैसेज आता है। इसी तरह जब कफील के आप इम्प्लॉई होते हैं, तो कफील का जब मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कफील का अगर उसने अपना मोबाइल रजिस्टर करवाया हो, अपना नंबर उसने दिया हो, ठीक है, तो उस सूरत में उसको मैसेज आने के चांसेस जो है होते हैं। दूसरी दूसरी जो है मैसेज आने की वजूहत ये होती है कि कफील ने अपना जो मोबाइल होता है उसका, वो अगर आप उसके स्पॉन्सर पे हैं, वो जवाजात में रजिस्टर होता है, ठीक है, मकतबल अमल में उसका रिकॉर्ड होता है, जब आपका खरूज लगता है तो उसको नोटिफिकेशन जाता है आपके खरूज का। जाहिर है जो उनके अकाउंट्स बने होते हैं सऊदियों के, अकाउंट्स मिनिस्ट्री के अकाउंट्स जो उनके होते हैं, सऊदी जो बना सकते हैं, उनमें उनको नोटिफिकेशन जाता है उसका आपके खरूज लगने का। कोशिश करा करें, अगर आपने एजेंट से खरूज लगवाना है तो वीकेंड के दौरान लगवाएं, मसलन जुमेरात को आप लगवाएं। उसमें ये होता है कि वो छुट्टी रहती है जुमे हफ्ते की, खास करके जुमे की, तो आप दूसरे दिन जुमे का टिकट करवा के जा सकते हैं। उस सूरत में कफील आपका खरूज कैंसिल नहीं करवा सकता जुमे वाले दिन, मतलब है जवाजात सिर्फ इमरजेंसी में खुला रहता है। तो सोर्स, सीधी सी बात है, सोर्स हो तो शायद जुमे को भी वो कैंसिल करवा दे, क्योंकि जब आज़ाद खुला होता है इमरजेंसी काम होता है, सिर्फ नॉर्मल जो काम होते हैं वो नहीं होते। इसलिए कोशिश करें वीकेंड में अपना खरूज एजेंट के थ्रू लगवाएं, और जैसे खरूज आपका लगे टिकट उसी दिन की कटवा के, अगर टिकट नहीं मिलती तो एयरपोर्ट पे चांस पे चले जाएं, दूसरी तीसरी चौथी छठी फ्लाइट में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ताकि आप कफील के कैंसिल करवाने से बच सकें और उस परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाए, आप जो है चले जाएं। एजेंट जो हैं 4-5 हज़ार रियाल में खरूज लगवा के दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है, हमने लगवा लिया है खरूज, एक दो दोस्तों ने मैसेज किए हैं कि हमने लगवाया है खरूज, कफील ने कैंसिल करवा दिया है, उसको उसका मैसेज चला गया, नोटिफिकेशन चला गया है। इसलिए मैं ये वीडियो इस पर बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि खरूज लगवाना है तो मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि आप वीकेंड में लगवाएं खरूज, ताकि उसको मैसेज जाता भी है तो आपके लिए कोई मसला ना हो।